आज हम एक करी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने अंडे बॉईल किए हैं। मैंने तो 8-9 अंडे बॉईल किए हैं, और इसके लिए मैंने सूखी मेथी रखी है जिसे बघारेंगे हम, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच ली है टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। 1 टी स्पून मैंने अपना होममेड चाट मसाला लिया है, और 1 टेबल स्पून प्याज चॉप की हुई, एकदम बारीक चॉप की हुई, जिसके आप कह सकते हैं आधी पीसी। धो किया और इसकी जर्दी अलग कर ली, क्योंकि अंडे की जर्दी सब अलग करके और उसमें मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से मैं सब अंडों की जर्दी जो है इस तरह से अलग कर ली। कढ़ाई में मैंने तेल डाला, तेल डाल के अब इसी में मैं सूखी मेथी डालूंगी ताकि इसको बघार सकूं। इसमें सूखी मेथी डाल दी, ये जब लाल हो जाएगी तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल। मेथी हो गई है, अब इसमें हम ये प्याज डाल दिए, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, पानी डाल के इसको भी डाल देंगे ताकि फिर इसको हम भून लेंगे। अब ये लहसुन अदरक भुन गया है, हम इसमें 1 कटोरी दही डाल देंगे। दही हम रात बताना आपको पहले इंग्रेडिएंट में भूल गए हैं, ये देखिए दही भी पड़ेगा इसमें, इसमें दही डाल देंगे और इसी में हम भूनते जाएंगे। इसमें हल्दी डाल दी थोड़ी सी, 2 चम्मच वही डाल बताई थी आपको, और लाल मिर्ची पाउडर बना डाल दिया ये, और ये होममेड चाट मसाला ये डाल दिया। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, दही मिक्स हो जाए, पीपा नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है थोड़ा सा भून जाए। अब ये मसाला भून गया है करीब करीब, अब इसमें हम जर्दी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके जर्दी को काफ़ी हद तक के मैंने तोड़ के घोल दिया है इसी में, अब इसी में हम जफेदी डाल देंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये जो है थोड़ा इसका तेल भी उतर आए और ये थोड़ी देर इसमें मसाले में मिक्स होकर अंडा पक जाए। बस अंडे की करी तैयार है। अब ये इसको ढक देंगे, बस एक बॉईल आएगा थोड़ी देर पका के बस उतार। बन गया, मैंने खोल गैस बंद कर दी है। अब ये इतना करी बस तैयार हो गई है करी। अब इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल के बस थोड़ा सा देर बंद कर देंगे, और ऊपर से गार्निश में हरा धनिया डाल देंगे, कोरिएंडर लीव्स, बस तैयार है। ये देखिए ये अंडे की करी तैयार हो गई है। ये अब इसमें ऊपर से गार्निश के लिए कोरिएंडर लीफ डाल दें, हरा धनिया, तो बस ये तैयार है। इसको अब आप प्लेन राइस के साथ खाएं, या नान के साथ खाएं, या प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है।